हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पेंट करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी लैंडस्केप पेंटिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है अपना एक प्यारा सा कैनवस जो कि मैंने खुद बनाया है। और उसके लिए मैंने यहाँ पे अपनी पैलेट को एकदम क्लीन कर लिया है। मैं यहाँ पे अपने ब्रश केस के अंदर से अपने सारे ब्रशेस को निकाल लूँगी। मैं अपने ब्रश इसी तरह से रखती हूँ क्योंकि इसमें सेफ रहते हैं। मैं बहुत ही केयरिंग हूँ इनको लेके, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखती हूँ। अपने सारे रंग बिरंगे ब्रशेस को निकाल के मैंने इधर बाहर रख लिया है, जिनसे आज मैं पेंट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम एक ड्राइंग बनाएंगे, तो मैंने पेंसिल की हेल्प से इस तरह से ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। हम यहाँ पर बनाएंगे बहुत सारे माउंटेंस, होप आपको दिख रहे हों। एंड यहाँ पर मैं लूँगी अपना पेंट। मेरा पेंट जो है ये थोड़ा ड्राई हो गया था, तो मैंने वाटर मिक्स करके उसको थोड़ा सा गीला कर लिया। एंड यहीं पे साथ ही मैं वाइट कलर को भी इसके अंदर मिक्स कर दूंगी एंड उसको ऊपर ऊपर अप्लाई करना शुरू करूंगी। यहाँ पर हम स्काई को पेंट कर रहे हैं एंड मैंने इस तरह का अपना ब्रश लिया एंड उसकी हेल्प से मैं इस तरह से डैब डैब करके क्लाउड्स बनाना शुरू करूंगी। उसके बाद मैं ब्लैक पेंट लूंगी। एक बड़े राउंड ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे माउंटेन को पेंट करना शुरू कर रही हूँ। माउंटेन के बैक साइड पे हम डार्क कलर से पेंट करेंगे एंड उसके फ्रंट साइड पे हम लाइट कलर से पेंट करेंगे। मींस जहाँ पे लाइट पड़ रही है माउंटेन पे, वो वाले थोड़े भूरे रहेंगे और पीछे वाली साइड बिल्कुल डार्क रहेगी। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर से भी पेंट किया है क्योंकि हमारे माउंटेन के अंदर थोड़ी सी हरियाली भी है। अब यहाँ पे मैं एक हरा भरा पहाड़ पेंट करूंगी। तो यहाँ पे बीच से एक निकलती हुई नदी होगी एंड उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह हम पहाड़ों को पेंट करेंगे। यहाँ पे हम हरे भरे पहाड़ और ग्रीनरी को पेंट करेंगे। बहुत सारी घास उगाएंगे हम यहाँ पे। साथ ही अब मैं लूँगी एक थोड़े बड़े साइज़ का ब्रश, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये छोटे ब्रश ज़्यादा टाइम ले रहे हैं पेंट करने में। तो मैं यहाँ पे कुछ पेड़ बनाऊँगी ब्लैक कलर की हेल्प से, जो कि हमें दूर से दिखते हैं तो थोड़े डार्क दिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ कर रहे हैं। और इसी के साथ हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी डार्कनेस भी ऐड करते जाएंगे, जो कि हम डिटेल्स करेंगे तो बाद में ये ब्लेंड हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर बहुत सारे पेड़ भी ऐड करने वाली हूँ। तो पीछे की साइड पे हम बहुत ही छोटे छोटे से पेड़ बनाएंगे एंड आगे वाली साइड पे जो हमें पास से दिखाई देंगे वो बड़े पेड़ होंगे। तो मैं यहाँ पे दो पेड़ों को पेंट करूंगी, जिसके लिए मैं पहले इस तरह से लाइंस बना रही हूँ। एंड एक पेड़ हम यहाँ पे भी बनाएंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टोन्स भी बनाने हैं, जिनके लिए मैं बड़े वाले स्टोन की आउटलाइन इस तरह से कर लूंगी एंड छोटे छोटे हम बाद में पेंट करेंगे। तो पेड़ों के अंदर मैं हरियाली को इस तरह से पेंट कर दूंगी ग्रीन कलर की हेल्प से। तो पेड़ों के अंदर इस तरह से ग्रीन कलर से पेंट करने के बाद अब हम रिवर पेंट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लू ग्रीन और वाइट कलर को मिक्स करके एक इस तरह का शेड बना लिया है, जिसे मैं इस तरह से बचे हुए वाइट स्पेस में फिल कर दूंगी। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा वाइट कलर भी लूंगी और उसको इस तरह से ब्लेंड कर दूंगी ताकि थोड़े से पानी वाला इफेक्ट आए। अब मुझसे इसमें डिटेल्स इस तरह से नहीं हो पा रही थी, तो मैंने कैनवस को नीचे रख लिया अपने इजल को साइड पर रख के। और अब मैं यहाँ पे घास को पेंट करना शुरू करूँगी। मैंने फैन ब्रश की हेल्प ली थी बट उससे काम नहीं बना, तो मैंने फिर से फ्लैट ब्रश यूज़ कर लिया। अब मैं इसी तरह से इसके अंदर सारी डिटेल्स भरती चली जाऊँगी एंड छोटे छोटे से फ्लावर्स भी यहाँ पे मैं बना रही हूँ।
यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता भी होगा जो इस तरह से मैं पेंट कर दिया है। एंड इसी के साथ हमारी पेंटिंग बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।